तो हाँ जी, वेलकम बैक टू दैट्स फिल्टर यूट्यूब चैनल। तो गाइज, यदि आप भी अपने इमेज के साथ इस तरह का स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी आसानी से। बस आपको इसके लिए करना कुछ नहीं है, वीडियो को बिना स्किप किए आसानी से वीडियो को एंड तक देखते जाना है बिना स्किप किए। एंड गाइज, आपको करना क्या है, वीडियो को एक लाइक कर देना है प्यारा सा सबसे पहले तो। एंड आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे गाइज। एंड वीडियो पर कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले काइनमास्टर को ओपन कर लेना है। काइनमास्टर जैसे ओपन करेंगे आपको प्लस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ से दोस्तों आपको एस्पेक्ट रेशियो यहाँ से 9:16 ऐड कर लेना है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे एडवांस वाला ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको फिल वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, मिड वाले को, और जो डिफ़ॉल्ट फोटो ड्यूरेशन है वो 4.5 कर देना है, और डिफ़ॉल्ट ट्रांजेक्शन 1.5, और क्रिएट पर क्रिएट क्लिक कर देना। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया और ब्लैक कलर का बैकग्राउंड इमेज ऐड कर लिया है। तो यहाँ से मैं ब्लैक कलर का बैकग्राउंड इमेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ ड्यूरेशन को, है ना। तो यहाँ इंक्रीज कर दिया मैंने। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपल से लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, इतने सारे ऑप्शन आने के बाद यहाँ मीडिया पर क्लिक किया और अपना एक इमेज ऐड कर लिया, बॉय वाला, ठीक है। बॉय वाला इमेज ऐड के बाद इसी तरह से लेयर में जाकर मीडिया में जाना है और इसी तरह से गर्ल वाला इमेज भी ऐड कर लेना है। तो ये दोनों इमेज मैंने ऐड कर लिया है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सिंपल से यहाँ क्लिक करना है और फोटो को सेलेक्ट करना है आपको, और इसको इंक्रीज कर देना है जहाँ तक एंड तक आपका वीडियो है, दोनों इमेज को एंड तक कर देना है गाइज। तो इसको भी मैं एंड तक कर देता हूँ। इसके बाद फिर से यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ लेयर पर लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ क्लिक करके दोस्तों मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, और ये वाला टेम्पलेट वीडियो है वो ऐड कर लेता हूँ मैं। तो इस वाले टेम्पलेट को मैंने ऐड कर लेना है, तो आपको भी इसी तरह से ऐड करना है। इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसको सेलेक्ट करके रखना और नीचे स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करना और फुल स्क्रीन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से मैं एक बार क्लिक करके बैक आ जाता हूँ और इसको सेलेक्ट करके रखना है गाइज आपको। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो टेम्पलेट वीडियो है उसको सेलेक्ट करके रखा मैंने, देखिए। और नीचे जाना है, ब्लेंडिंग पर क्लिक करना है। ब्लेंडिंग पर क्लिक करके दोस्तों स्क्रीन वाला ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से स्क्रीन वाला ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल से यहाँ क्लिक करना है और जो नीचे वाला बॉय वाला इमेज है उसको सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बॉय वाला इमेज सेलेक्ट किया और इसको थोड़ा साइज़ बड़ा करना है, इस तरह से एडजस्ट करना है इसमें, ठीक है। तो नीचे वाले इसमें एडजस्ट करना है साइज़ बढ़ा करके, है ना। तो इसको मैंने जो फेस है उसको मिड में कर लिया है, ठीक है। अब क्रॉपिंग में जाकर जो भी एक्स्ट्रा जा रहा है ऊपर उसको मैं इस तरह से क्रॉप कर देता हूँ। ये देखिए, ये पार्ट कुछ एक्स्ट्रा है, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं इस तरह से क्रॉप करके। तो क्रॉप कर दिया है मैंने, और मास्क को एनेबल करके फीदर को 10 कर देता हूँ, है ना, और बैक आ जाता हूँ। इसी तरह से गाइस, जो गर्ल वाला इमेज है उसको भी इस तरह से बड़ा साइज़ करना है। और ये देखिए, यहाँ पर मैं मिड में इसको भी एडजस्ट कर देता हूँ, है ना। तो इसी तरह से इसको भी एडजस्ट कर देना है। अब आपको क्रॉपिंग में जाकर इसको भी एक्स्ट्रा है उसको यहाँ तक क्रॉप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ तक क्रॉप करने के बाद दोस्तों आपको मास्क वाले ऑप्शन को इनेबल करना है और फेदर है वो आपको 10 कर देना है। तो ये मैंने 10 कर दिया है, ये देखिए आप बिल्कुल सेम कर दिया है, बिल्कुल वीडियो रेडी हो चुका है। आप जैसे आपने प्रीव्यू वीडियो में देखा था, देख लिए, ये मैंने प्ले भी कर दिया है, तो बिल्कुल सेम वीडियो रेडी हो चुका है। आप भी इस तरह का वीडियो ऐसा क्रिएट कर लिया होगा, तो इसे करने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको रिजोल्यूशन सेट करना है, और नीचे वाला यहाँ पर सेव एज वीडियो पर क्लिक करना है आपको,
जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आपका वीडियो सेव होना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए आज मैं फ़िलहाल तो कैंसिल कर देता हूँ। तो गाइस वीडियो में मज़ा आया हो तो लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।